बहुत से लोगों ने केमिकल कैस्ट्रेशन को रेपिस्ट के खिलाफ एक सजा के तौर पर इस्तेमाल करने की बात सुनी तो है लेकिन ये है क्या ये मर्दों को दी जाने वाली ऐसी दवाइयाँ हैं जो इनकी जिनसी ख्वाहिशात को दबाने में मददगार साबित होती हैं दुनिया के ज्यादातर मुल्कों में जहाँ केमिकल कैस्ट्रेशन कानूनी है ये रजाकाराना तौर पर वो कैदी लेते हैं जो खुद समझते हैं कि इनसे इनको कुछ मदद हासिल होगी इसमें खुलेआम इबरत का वो नजारा जो कैस्ट्रेशन का लफ्ज़ सुनकर आम लोगों के जहनों में आता है मुमकिन नहीं क्योंकि देखने में ये एक बेजरर सा अमल है दवाई खाई और अपने लिबिडो के कम होने का इंतजार किया ये वो स्पेक्टिकल नहीं कि बीच चौराहे में रेपिस्ट के प्राइवेट हिस्सों को एक तलवार की मदद से उड़ा दिया जाए और इस सरेआम तमाशे की धाक लोगों के जहनों में यूं बैठ जाए आइंदा कोई शख्स इस किस्म की हरकत करने की हिम्मत ना करे फर्ज किया कि अगर केमिकल कैस्ट्रेशन से मर्दों की सेक्स ड्राइव पर असर डाल भी दिया जाए तो सवाल यह है कि क्या रेप सिर्फ मर्दों के अज् खास से ही किया जा सकता है दिल्ली रेप केस में लोहे की रॉड का इस्तेमाल किया गया ये और इस किस्म के दूसरे वाकत हमें समझाते हैं कि रेप का ताल्लुक सिर्फ जिनसी हवस से नहीं एक शख्स का तशद के ज़रिए अपने आप को दूसरे कमज़ोर शख्स पर मुसलत करने से भी है अगर आप किसी को दवाई देकर उसको नामर्द बना भी देंगे तो उससे उसकी सोच नहीं बदल जाएगी वो फिर भी अपनी जाली मर्दानगी का इस्तेमाल करते हुए तशद का कोई और तरीका ढूंढ लेगा वैसे भी रेप सिर्फ वो शख्स नहीं जो आम माशरे से बिल्कुल अलग थलग खड़ा एक मॉन्स्टर हो हम सब लोग इस रेप कल्चर का हिस्सा हैं सज़ा के साथ साथ आपको पूरे माशरे में फैले हुए रेप कल्चर के बारे में भी सोचना पड़ेगा वो सारे लतीफे जो औरतों को उनकी जगह पर रखने के लिए बार बार दोहराए जाते हैं या वो सारी गालियाँ जो औरतों के जिस्मों का इस्तेमाल करती हैं ताकत का अदम तोजुन रेप कल्चर की जड़ है क्योंकि रेप सिर्फ अपनी जिनसी हैवानियत को तस्किन पहुँचाने के लिए नहीं किया जाता ये औरतों के जिस्मों पर तशद्द के ज़रिए उन्हें उनकी जगह पर रखने का भी एक तरीका होता है ये इन लोगों का भी शेवा हो सकता है जो ज़िंदगी में अपने आप को किसी भी वजह से पावरलेस या बे महसूस करते हैं उनको लगता है कि यह बेअ्तियारी उनकी मर्दानगी में कमी ले आई है क्योंकि दुनिया भर में मर्दानगी को ताकत और कंट्रोल के साथ जोड़ा जाता है जो किसी चीज़ को जिसमानी तौर पर तस्खीर नहीं कर सकता वो मर्द नहीं इस अमल को एक टूल ऑफ वॉर और मर्दों की जीत की अलामत के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है सिर्फ रेपिस्ट को मार डालना एक आर्जी हल है क्योंकि सोच और माशरे को बदलना असल लंबा और मुश्किल काम है सजा और कानून का होना तो एक ज़रूरी अमल है ही लेकिन इससे खुलेआम रेप को रोका जा सकता है घरों में मौजूद जिनसी ज़्यादती और तशद फिर भी उसी तरह चलते रहेंगे क्योंकि माशरती तौर पर कमज़ोर ख़वात अपने घर के मर्दों को रिपोर्ट कर कर भी मरेंगी और ना कर, कर भी हमारे जैसे माशरे में वो सोचती हैं कि बेहतर है कि, कि जालमों के साथ रहकर उनसे बख्शीश की उम्मीद कर ली जाए क्योंकि इसके अलावा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं हम बचपन से सऊदी अरब की दास्तानें सुनते आ रहे हैं जहाँ इसलिए कोई जुर्म सरज नहीं होता क्योंकि वहाँ सज़ाएँ बहुत कड़ी हैं लेकिन इस बयानिये को उन औरतों की वो रिपोर्टें झुटलाती हैं जिनको उम्र और हज के दौरान जिनसी तौर पर हरासा किया गया अगर आप ट्विटर पर ट्रेंड मॉस्क मी टू सर्च करें तो आपको सैकड़ों ऐसी कहानियाँ मिलेंगी लेकिन फिर किया क्या जा सकता है मेरे लिए एक उम्मीद की किरण इस किताब ह्यूमन काइंड अ होपफुल हिस्ट्री में नज़र आई इसमें नॉर्वे में दो ऐसी जेलों का जिक्र किया गया है जहां पर कैदियों को बेहतर इंसान बनाने की कोशिश की जाती है माहरीन का कहना है कि नॉर्वे की जेलों और माशरे की इंसान दोस्त असूलों की वजह से वहां का रिस्डविजम रेट यानी किसी मुजरम के दोबारा जुर्म को करने की शरह दुनिया में सबसे कम है एक गरीब मुल्क का नॉर्वे बनना तो कोई आसान काम नहीं लेकिन हम दूसरों की अच्छी मिसाल से कुछ सीख ज़रूर सकते हैं